अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? रागे में एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो सबसे पहले एनोनिमस की पब्लिक ठोक दो लाइक बटन सब के सब, और फिर हम आपको सुनाते हैं सस्ती शायरी। जल्दी से ठोक के आ जाओ लाइक बटन। अर्ज किया है कि पबजी मोबाइल जोड़े रखती है यारों को, वाह 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 वाह। 5 बार वाह वाह बोलेंगे। पबजी मोबाइल जोड़े रखती है यारों को, वाह 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 वाह। आज विक्टर बचाएगा दुश्मनों से पारो को, सस्ती शायरी विद द एनोनिमस बाबा जी। तो गाइस, सबके सब ठोक दो लाइक बटन। और इसके बाद मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एनोनिमस की पब्लिक, हम लोग अभी सेकंड पर हैं और हमें फर्स्ट पे जाना है। हमें सबसे पहले 1 मिलियन कंप्लीट करना है, ताकि लाइक फर्स्ट चैनल होगा गाइस जो 1 मिलियन कंप्लीट करेगा। और अगर आप मेरे ये करवा दोगे तो ये एक अचीवमेंट होगी मेरे लिए, जो मैं सारी लाइफ याद रख सकूंगा और लोग सब लोग याद रखेंगे कि एनोनिमस की पब्लिक और एनोनिमस ने मिल के, लाइक आपके बगैर नहीं हो सकते, ये बात मानने वाली है कि लाइक स्टार एनोनिमस का जो चैनल है वो सबसे पहले 1 मिलियन कंप्लीट किया था। गेमिंग चैनल, अभी तक कोई किसी गेमिंग चैनल में 1 मिलियन नहीं किया। तो आप सब प्लीज़, अगर सब्सक्राइब ज़्यादा नहीं करवा सकते तो अगर आप कर सकते हो तो लाइक कर देना, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। तो इसलिए बस प्लीज़ सबके सब ठोक दो लाइक बटन, और जहाँ जहाँ से सब्सक्राइब करवा सकते हो करवाओ, ताकि हमारे जल्दी से 1 मिलियन हो जाए। एनोनिमस की पब्लिक, हम बचा रहे इस गेम में पारो को, और पारो का देवदास हम है और हमने पारो को जिंदा बचाना है। पारो का मैं आपको बता दूँ क्या सीन है। पारो ने गन यूज़ नहीं करनी, बैन कर सकते, नो मॉली, नो ग्रेनेड, नो स्मोक, स्मोक कर सकती है बचाने के लिए, बट गन यूज़ नहीं कर सकती कोई भी। तो हम पहले ऊपर आ, टिंकी कर रही है लूट, क्योंकि बाबा जी लूट का नो मजाक, लूट का। अब आगे आपने ये सोचा होगा पिंडी है बाबा जी, पिंडी है ना, लेकिन ओ हो फ्री के किल बाबा जी, ये वेलकम टू उठाएंगे फ्री के। तो पारो कोई गन यूज़ नहीं कर सकती, सिर्फ हमारे साथ साथ रहेगी और हमें उसको जिंदा बचा के रखना है। तो ये था हमारा चैलेंज। देखो लूट ला के ऐसे कहाँ मिलेंगे। आज मैं दुआएं दूंगा अपने टीममेट को, आज मैं नहीं बोलूँगा भूखे टीममेट, आज मैं इनको ऐसा वैसा कुछ नहीं बोलूँगा, आज हमें लूट ला के देना है। तो यस, वेरी अच्छे टीममेट, यू आर माय दुआएं इज ऑलवेज विद यू, सस्ती इंग्लिश विद एनोनिमस। तो यहाँ पे ये भाई मुझे नजर आए जो कि काफ़ी अच्छे प्लेयर लग रहे थे, इनका प्लेन भी इन्हीं का था। और आपने देखा होगा कि लैंडिंग हमारी ख़राब हुई थी, क्योंकि मेरा पता नहीं क्या स्क्रीन काम नहीं कर रही थी, तो लैंडिंग जो है ना वो गलत हो गई थी हमारी। ऐसे कैसे बाबा जे। तो यहाँ पे हमने इनको डाउन किया, मैं देख रहा था कि इनके टीममेट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे साउंड आया, अब ये बॉट भैया थे, तो हमने जो है वहाँ पे इनको डाउन किया। फिनिश करेंगे, मैसेज करेंगे की ओर, और यहाँ पे इसके कपड़े उठाऊंगा गाइस, मैं इसके कपड़े बड़े मज़े के थे, मुझे काफ़ी पसंद आए थे। और हमने काफ़ी टाइम हो गया अपनी स्किन्स नहीं देखी, गन की इतने टाइम से अकाउंट नहीं ओपन किया, या अल्लाह थोड़ी सी शर्म या कुछ भी डाल दे हमारी हुकूमत के दिल में। इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है ना गाइस, पता है मैं आपको बता नहीं सकता कितना ज़्यादा डीमोटिवेट हूँ इस टाइम पे। आपको लग रहा होगा एनोनिमस हंसता रहता है, एनोनिमस हंसाता रहता है, बकबक करता रहता है, तो पता है बाहर से इंसान कुछ भी हो, अंदर से वो जैसा होता है ना उसी को पता होता है। तो मैं इसी बारे में आज थोड़ी सी आपसे आगे जाके बात भी करूँगा गाइस। यहाँ पर आया था तो सामने आ रहा था साउंड, लाइक फुटप्रिंट तो नहीं, लॉल फुटप्रिंट कहाँ से आएंगे, वो देखो मैप में आ रहा था कि फायरिंग हो रही है, तो मैं यहाँ पे लेट के स्प्रे किया और पूरा का पूरा स्क्वाड वहाँ घूम रहा है, 2 स्क्वाड फाइट ले रहे थे, तो हम अपने पिछवाड़े को धूप लगा कि यहाँ पे फायर करके बंदे मार रहे थे। और यहाँ पे मैंने एक एक करके नॉक किए जा रहा था, काफ़ी दूर था तो वो लोग भी ओपन में थे, सांप वहाँ बन रहे हैं, बट आप ऐसे कैसे बच सकते हो बाबा जे, ऐसे थोड़ी होता है। अब एक ही बंदा बचा, बॉट भैया आज केडी ज्यादा कर दो हमारी। तो गाइस अभी वो बंदा दरख्त के पीछे जैसे आपको पता है, और हम आगे की तरफ कर रहे थे रश, एम मेरा वहीं पर है देख लो। जैसे ही उसने शॉट्स लेना शुरू किया मैं लेट गया और उसका एम खराब हो गया बाबा जी। और फिर यहाँ पे हम करेंगे लूट, क्योंकि व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप, इट्स कॉल्ड लूट का, नो मजाक। लेकिन इस गेम में पारो लूट उठा भी ले, पारो लूट उठा ले पारो, क्योंकि तू गन वैसे भी नहीं चला सकती पारो, तो हमें कोई फिक्र नहीं है पारो।
आज पारो लूट उठा भी लेंगे ना, अपना कुछ नहीं जा रहा। तो कैसे हम दुड़की लगा रहे थे, पारो पीछे पीछे भाग रही है। देखो मुझे डर भी नहीं था पारो मर जाएगी, क्योंकि मुझे पता पारो मरने नहीं वाली, क्योंकि विक्टर पारो को मरने नहीं देगा, विक्टर सारा को मरने नहीं देगा। विक्टर इज वेरी इन लव विद सारा, सो विक्टर डोंट डेइंग मरिंग सारा। सस्ती इंग्लिश विद एनोनिमस। बंदा नजर आता है यहाँ पे मुझे, टैप टैप मारा उसको। तो गाइस जब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उसको लो किया, तो मैंने सोचा कि थोड़ा ना फन मज़ा किया जाए, थोड़ा मस्ती की जाए, क्योंकि आपको पता है अकाउंट लो लेवल है, मेरा मेन अकाउंट नहीं है, इसलिए काफ़ी लो लेवल के प्लेयर्स आ रहे हैं। बेचारा इतना लैग हो रहा था, और ये लैग नहीं हो रहा गाइस, मैं लैग हो रहा हूँ, ये आपको मज़े की बात बताऊँ। पिंग ठीक शो कर रहा है, लेकिन मज़े की बात मेरी पिंग ठीक शो होने के बाद भी ठीक नहीं आ रही। मैं वो कर रहा था लाइक एक जगह से दूसरी जगह पहुँच रहा था अटक अटक के, मैं अटक अटक के इधर उधर जा रहा था। और यहाँ पे मैं आपको वो बात बताता हूँ जो मैंने आपसे करनी थी, कि आपको लग रहा होगा कि अनोनिमस वीडियोस बना रहा है, हंस रहा है, हंसा रहा है, लेकिन सच बोलूँ तो काफ़ी टेंशन है। पबजी अभी तक अनबैन नहीं हुई और अभी तक हम लटके हुए हैं। दूसरा ये कि जो है ना व्यूज़ भी बहुत डाउन हो चुके हैं हमारे, उसकी वजह ये है क्योंकि लोग पबजी आजकल कम खेल रहे हैं। लेकिन भाई हमारी तो जॉब है ना, हमने तो वीडियोज़ बनानी है तो हम वो बना रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत ही पहले से बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, जिसका जिसको देख देख के ना कहते हैं ना खून जलता है, दिल जलता है, तो वो होता है जब भी मैं अपने व्यूज़ देखता हूँ ना कि कहाँ चले गए, तो काफ़ी बुरा लगता है। लेकिन इसका हल मैंने ये निकाला था कि मैं ब्लॉग बनाने लग गया, वो भी माइंड बिजी रखने के लिए, और एक कि जैसे अभी मेरा फ्यूचर जो है वो एकदम ख़तरे में आ गया था। वैसे तो देखो गाइस अल्लाह ताला पे भरोसा है, मेरा रब जो है ना वो सब कुछ ठीक कर देगा बेशक, अल्लाह ताला ना मेरे साथ है, बस मुझे यकीन है, तो मुझे उस चीज़ की टेंशन नहीं है। पर मैंने ना अपने ना थोड़ा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मैंने ना व्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे, और शुरू में मैं काफ़ी लाइक अच्छे से नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक नई फील्ड है, नया काम है, अचानक से आप अच्छे से नहीं कर सकते। तो मैं डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा हूँ, और व्लॉगिंग में काफ़ी ठीक होता जा रहा हूँ, पहले से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होता जा रहा हूँ। तो अभी कल का व्लॉग में क्या होगा, जब भी आप आने वाले हो, ओके अभी आया नहीं है, वो आपको पता है एनोनिमस 360 वाले चैनल पर मैं अपलोड करता हूँ। तो उसमें क्या हुआ था कि मेरे एक दोस्त ने मुझे वो किया कॉल के, भाई मौसम बड़ा अच्छा है, बारिश हुई थी, बड़ा अच्छा मौसम था गाइस, उसने कॉल करके बोला आ जाओ चलते हैं फैसल मस्जिद, जो कि मेरे घर से थोड़ा दूर है। तो मैं फारिग था, कुछ करने को था नहीं, तो मैंने बोला हाँ भाई ठीक है मैं आता हूँ, हम चलते हैं फैसल मस्जिद। दोनों बाइक पे फैसल मस्जिद निकले, जिसका सारा व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया, मज़े मज़े के सीन, गंदे पानी में ना बच्चे नहा रहे थे वो भी रिकॉर्ड किया। तो रास्ते में हमारा ट्रैफिक पुलिस वालों ने चालान भी कर लिया, तो काफ़ी फ़नी व्लॉग हो गया था, काफ़ी मज़ेदार हो गया था, जब मैं एडिट भी किया आप लोगों के लिए, तो आप वो देख लेना। एनोनिमस 360 पे शाम को अपलोड करूंगा मैं, और व्लॉगिंग में भी सपोर्ट करें यार थोड़ा सा, आप लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा एनोनिमस की पब्लिक। ये बंदा आखिरी नजर आता है, जिसको हम टैप टैप करके मार रहे थे, भग गया था सामने वाले घर में। तो बाबा जी हमने दुड़की लगाई और हमने सोचा जाके इसकी पछवाड़े पे लगाएंगे, मौत को छुएंगे, आवाज़ आज मेरी भी नहीं निकली देख लो, मौत को छुएंगे तक से वापस आएंगे बाबा जी। मैं टेंशन नहीं ले रहा, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, उसकी टेंशन नहीं लो, तो इंशाल्लाह जो होगा अच्छे के लिए होगा, और हमारा नाड़ा कच्चे के लिए हुआ। तो हम इस बंदे के पीछे घुस गए, और ये जब जैसी लाइक पीछे पीछे इसके घर में घुस गए, और जैसे ये बंदा मैं ऊपर आया, बंदा विंडो से नीचे जंप करेगा, और मैं लैग हो रहा था ये ठीक, मैं आपको फिर बताऊँ ये बंदा लैग नहीं हो रहा, लैग मेरा इशू कर रहा था, दिखा पिंग ठीक रहा है बट बहुत ही ख़राब गेम चल रही थी, मुझे पता अटक अटक के चल रही थी सारी, तो रिकॉर्डिंग में इतना कुछ शो नहीं होता, बट वैसे अटक रही होती है, रिकॉर्डिंग एकदम स्मूथ हो जाती है समटाइम, बट गेम में हीटअप हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाता है डिवाइस, और लैग हो रही होती है। और यहाँ पे आपको लग भी रहा होगा, देखना ये और करना, यहाँ पे आपको फील हो रहा होगा कि मेरी वाकई डिवाइस उस टाइम लैग कर रही थी, गोली मार रहा हूँ नहीं लग रही, मूव कर रहा हूँ सही से नहीं हो रही, और बंदा नीचे आके लेट गया। बाबा जी हमें तो पता ही नहीं है आप यहाँ लेटे हो, हमें तो पता ही नहीं है आप नीचे अपने बम पे धूप लगवा रहे, अपने घास सुखा रहे, पानी से निकला होगा, ये देखो एक गोली मारी, घूम रहा है चारों बेचारा कि कहाँ से पड़ा, दूसरी मारी नीचे भाग जाएगा। और फिर मैं फैसला किया कि भाई इसके पीछे जाता हूँ, उसको पैन से मारूंगा, और यहाँ पे आप मेरे इंटरनेट का अंदाज़ा लगा सकते हो, पैन लग गया था लेकिन मरा वो कितनी देर बाद, तो कितना घटिया नेट चल रहा था मेरा। तो बाबा जी उसके बाद हमने लगाया TDM, और दोबारा से मैं M24 खेल रहा था, क्योंकि आपको M24 वाला इतना पसंद आ रहा है ना, और आप मुझे फिर से बताना सबके सब कमेंट करके कि आपका फेवरेट शॉट कौन सा था। और मैं फिर से बोल रहा हूँ गाइस ब्लॉग मिस मत करना, बहुत ही मज़े का ब्लॉग है वो, इंशाल्लाह शाम में आ जाएगा। एनोनिमस 360 सर्च करके आप मेरे चैनल वो वाला निकाल सकते हो। तो बाबा जी हमने शुरू कर दिया यहाँ पे ढम ढमा ढम ढम,
डम डमा डम डम, ये दो बंदे डाउन किए। आप मुझे बताना कि आपका फेवरेट M24 के शॉट कौन सा था। आहा हा हा, आहा हा हा, ओहो लेट गए सर जी, हमें तो पता ही नहीं आप ऊपर लेट है। दो शॉट हम मिस कर चुके हैं, तीन शॉट हम मिस कर चुके। ओके लग गई, सॉरी। ये लगी चार किल, और यहाँ पे आप स्ट्रेक देखना गाइस, ये लगी पांच किल, अभी एक और है, ये लगी छह किल बाबा जे। और यहाँ पे लगेगा क्या? ओके मेसी, अच्छा हो जाता अगर लगता तो, बट लगी नहीं, बेचती होगी। रिलोड लगी, मैं फौरन से पीछे भागा। अभी आप देखोगे मैं कितनी गंदी मौत मरूंगा गाइस, बहुत ही फनी था ये। अभी जब मैं मरूंगा ना, छः की स्ट्रीक थी, लेकिन अभी तो मेरे ख्याल नौ की जाएगी, शायद दस की जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर आया तो ये पहले से मर चुका था, तो हमारी बेइज्जती हो गई, यहाँ पर आना हमारा ज़ाया हो चुका है। लेकिन कोई बात नहीं बाबा जी, हम ढूंढते रहेंगे हमारे टीम मेट, जहाँ मर भी रहे हैं मर भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर किल हमारे ही हैं, MVP हमारे आने के चांसेस हैं। हाँ भाई हाँ, हम तो यहाँ हैं ही नहीं। वेस्ट उठा लो आप, कैसे ऊपर चढ़ रहा था वेस्ट उठाने के लिए। ये लगा आठ किल, अंदर गए, अंदर बैठा है। ये लगा नो किल, उसके उसके ना कंटेनर के अंदर होने का साउंड आया था, वो आता है ना कंटेनर के अंदर जब आप भाग रहे होते, जैसे नोबो में भागते थे। ये लगा 10 की स्ट्रीक हो गई माशाल्लाह, ये मिस हो गई, आई गेस ये लग जाएगी। ये लगी 11 किल, 11 की स्ट्रीक, ओके 10 की स्ट्रीक है, 11 किल ना 10 की स्ट्रीक है। ओके ये मिस कर दिया मैंने, बहुत ही जल्दी मार दिया था। मैं ट्राई करता हूँ क्विक स्कोप मारूँ थोड़ा सा। ये लगा 12 किल, 12 की स्ट्रीक, ये एनोनिमस की पब्लिक, एनोनिमस की पब्लिक। बताना आपका फेवरेट किल कौन सा था सबके साथ। 17 किल हमारे थे, लेकिन 12 उसमें से मेरे थे। और यहाँ पे आप देखना कितनी गंदी मौत मरने वाला हूँ मैं। 13 किल हो चुके हैं, और 14 किल हो चुके हैं, 14 की स्ट्रीक जा रही है माशाल्लाह। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे साथ क्या होता है। मैं गया पीछे, हालांकि दो एमओ थी, बट थोड़ा सा ना नर्वस हो गया था, क्योंकि वो AR से लेके मार रहा था, और मेरे पास ना स्नाइपर थी। पीछे भागा, हमारे बम पे लगी और हमारी बैंड बज गई। लेकिन कोई बात नहीं बाबा जी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात है भाई, रुक जा होती रहती है, ठा करके मारेंगे। और बाबा जी यहाँ पर मैं जंप करके ठा, बेइज्जती हो गई, सच में बेइज्जती हो गई। भाई थोड़ी देर पहले ही मार देता, जब हम मरेंगे ना फिर फौरन मार देंगे, उससे पहले नहीं मारेंगे एनिमी को। कितने घटिया टीममेट है हमारे। और यहाँ पे हमारे 16 किल हो चुके हैं, सिर्फ 4 किल रहते हैं। ये लगा वापस भागो, ओहो हो नेट करेंगे। ये लगा फिर वापस भागो, ओके मिस हो गया, रुक जा भाई रुक जा। ये ओके ये भी मिस हो गया। यहाँ पे हमें मिल जाएगी विक्टोरी बाबा जी। अभी जाइएगा मत, जाइएगा मत, थोड़ा सा वेट कर लो। काफ़ी दिन हो गए हमने कोई अच्छा काम नहीं किया वीडियो में, तो आज मैं चाहता हूँ आप सब ना एक बार दुरूद पाक पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ आप भी पढ़ो। थैंक यू सो मच पढ़ने के लिए, आपने भी पढ़ी मैंने भी पढ़ी। और सोचो कि हम एक वीडियो के साथ साथ इतना ज़्यादा सवाब भी कमा लेते हैं, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। बस गैस आप लोगों को ना प्यार चाहिए यार, यकीन करो अगर आप किसी चीज़ में मेहनत करो ना और रिस्पॉन्स कमाने लगे, तो आप काफ़ी डीमोटिवेट होने लगते हो। और एक कहावत है कि जो इंसान हंस रहा होता है ना बाहर से, अंदर का हाल नहीं पता होता किसी को, लेकिन अंदर से वो कैसा होता है नहीं कोई जानता। तो काफ़ी डीमोटिवेट हो गया था मैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बिजी रखूँ माइंड को। जल्दी से जब पबजी अनबैन हो तो हम फिर से जो है ना अपने मेन अकाउंट से एकदम रश गेम प्ले करें, बट अभी तक तो गुजारा करो। और सेकंड चैनल पे सपोर्ट करो गाइस, दबा के सपोर्ट करो, वहाँ पे वीडियोस देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो सेकंड चैनल को। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना यार, गुनाहगार बंदा हूँ, बुरी बातें करता रहता हूँ, तो माफ़ कर देना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कर अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। दिल से लव यू एनोनिमस की पब्लिक, अल्लाह हाफिज़।